हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं हूँ अपर्णा। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एकदम डिफरेंट है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए ये लिए हैं आलू, और ये मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं, क्योंकि इस रेसिपी में ठंडे आलू ही चाहिए। और अब इन आलुओं को इस तरह से तोड़ लेते हैं। और फ्रेंड्स, आलुओं को यहाँ पे कद्दूकस नहीं करना है और ना ही इन्हें मैश करना है, तो इस तरह से इन्हें तोड़ लेना है। और यहाँ पे ठंडे ही आलू आप लीजिएगा। अब देखिए, आलूओं को मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। तो आप जो भी तेल खाते हों वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पे, ये नाश्ता सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप एक बार बना के देखिएगा। तो अब तेल थोड़ा सा गर्म भी हो चुका है, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा, और साथ ही ऐड कर दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे स्किप नहीं करिएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे ये हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप मिर्ची पसंद करते हो वैसे ही आप यहाँ पे मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके ऐड कर दिया है, क्योंकि ये जो नाश्ता है थोड़ा सा चटपटा तीखा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कर दी है। और अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो इन सारे मसालों को मिक्स कर दिया है मैंने, गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। अब इसी तेल में मैं इसको भी इस तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने गैस थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये आलू। तो अब आलूओं को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इस तरह से, और गैस की हीट को मैंने अभी भी यहाँ पर लो रखा हुआ है, तो लो हीट पर आपको इस तरह से इन्हें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड करेंगे ये हरी मटर। तो इसे मैंने बॉयल कर लिया था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इस नाश्ते में मटर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से मटर को आप ज़रूर इसमें डालिएगा। अब ऐड कर देते हैं इसमें नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हीट को बंद कर देते हैं और आलूओं को थोड़ा सा मैश कर देंगे, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से इन्हें मैश कर दीजिएगा, और हमारी जो मटर है वो भी बॉयल्ड है। तो हमारी जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि जो हमारी स्टफिंग है ये थोड़ी सी खट्टी तीखी भी होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप नींबू का रस या फिर एक आमचूर पाउडर या फिर आप चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ इसमें ऐड कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़ा आ जाता है। तो आप देखिए, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब आलू को इस तरह से रफली तोड़ देते हैं, ज़्यादा इन्हें मैश नहीं करना है, और ये हमारी जो स्टफिंग है रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप एक बार बना के तो देखिए, आपको बस यही नाश्ता भाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए, स्टफिंग हमारी कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी तीखी और सारे फ्लेवर हैं इसमें। तो अब हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसे हटा लेते हैं और इसे एक प्लेट में इस तरह से रख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें आगे की तैयारी करनी है। अब देखिए, इसकी प्लेटिंग के लिए मैं एक चटाकेदार आपको चटनी की रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बंच धनिया का, तो इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और अब इसमें मैंने एक मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है, और ये जो इसके स्टेम है इसे ये मैंने नहीं तोड़े हैं, क्योंकि चटनी में ये यूज हो जाते हैं, तो आप भी नहीं तोड़िएगा। और यहाँ पे अब मैं 3 से 4 इसमें इस तरह से ग्रीन चिली ऐड करूँगी, क्योंकि इस चटनी के साथ जब भी आप खाएंगे स्नैक्स तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे 3 गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर। अब इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा अपने स्वाद के अनुसार, और अब इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का जूस भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आमचूर पाउडर यहाँ पे मैंने 2 से 3 पिंच ऐड किया है, और साथ ही मैंने ऐड किया है 1 छोटा चम्मच दही। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और अब इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, हमारी चटनी तैयार है। तो देखिए, चटनी का कलर एकदम ग्रीन आया है, तो इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। चलिए, आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप पानी।
तो ये वेट में नापें तो 240 ml है। तो आप कोई ग्लास या फिर कोई कटोरी या फिर कोई कप उसी से आप ये पानी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से नाप के बनाएंगे तो आपका नाश्ता भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा बनेगा। तो अब मैंने लिया है यहाँ पे एक छोटा चौथाई चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल दिया है पानी में, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटा चम्मच तेल। तो तेल आप यहाँ पे कोई सा भी ऐड कर सकते हैं जो भी आप खाते हो। अब देखिए पानी में थोड़ा सा बॉयल भी आ गया है, तो इस स्टेज पे आप यहाँ पे ऐड करिए सूजी। तो सूजी मैंने आधा कप ली है, देखिए ये पतली वाली सूजी है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे आप एक बार मिक्सी में चला लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने जिस कप से पानी लिया था उसी कप से आधा कप लिया है सूजी, तो सूजी का डबल पानी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितनी सूजी लेनी है उसका डबल पानी लेना है। तो अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो आपको 2 कप पानी लेना है उसी कप से। तो देखिए इसे इस तरह से चला देंगे और देखते देखते हमारी जो सूजी है डो के फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह से देखिए ये सूख गई है, पानी एकदम इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। और इसे अब इसे 2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे और 2 मिनट में ही अच्छे से ये फूल जाएगी और हमारा डो देखिए तैयार हो गया है इस तरह से। तो देखिए पैन ने भी छोड़ दिया है और इसे इस तरह से चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए इस तरह से कर लेना है। और देखिए सूजी इस तरह से हो जाएगी और हमारा डो रेडी हो जाएगा। तो अब इसे गैस से हटा लेते हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बड़ी प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। इसे इस तरह से फैला दीजिएगा स्पैचुला से और ये ठंडी हो जाएगी। और इसे आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना इसका डो नहीं बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स ये सूजी इतनी ठंडी हो जाए कि हाथों तो में ज़्यादा लगे ना। तो देखिए इस तरह से इसे मैश कर लेना है और इस तरह से हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इससे ये चिपकेगी नहीं, थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और तेल लगाकर इसे इस तरह से मैश कर लेते हैं। तो इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से लगातार इस तरह से मैश करना है। तो इसके बाद हमारी जो सूजी है अच्छे से चिकनी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से इसे कर लेना है फटाफट से और ये गर्म ही गर्म करना है आपको, ठंडा होने के बाद नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो डो है रेडी हो गया है, कितना चिकना लग रहा है। तो देखिए इधर स्टफिंग देख लेते हैं, स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो इसे हल्के से जो इसमें टुकड़े हैं उन्हें तोड़ लेते हैं इस तरह से। और इतनी स्टफिंग मैंने निकाल दी है क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग थी। तो अब जो हमारी स्टफिंग है इसके छोटे छोटे से इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं, क्योंकि इस तरह से जब बॉल्स बना के रख लेंगे तो जब हम नाश्ता बनाएंगे तो इधर उधर फैलेगा नहीं और स्टफिंग भी अच्छे से भर जाएगी। तो देखिए एक बॉल बन गई है, इस तरह से सारी बॉल्स बना लेते हैं और ये सारी मैंने बना ली हैं। और अब चलिए नाश्ता बनाते हैं। तो देखिए इधर हमारा जो सूजी वाला डो है इसका थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं इस तरह से एक नींबू के आकार का। अब देखिए हथेलियों की हेल्प से ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से इसे पतला कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये बहुत ही पतला करना है क्योंकि जब ऊपर की लेयर पतली होगी तभी हमारा नाश्ता क्रिस्प बनेगा। तो इस तरह से कर लेते हैं और अब इसमें एक इस तरह से बॉल रख देते हैं स्टफिंग की और अब इस तरह से बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आपको बंद करना है और आपको ये सब हल्के हाथों से करना है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पार्ट से छूटा हुआ है तो यहाँ से थोड़ा सा डो लेके यहाँ पे इससे चिपका देना है। तो इस तरह से इसे कर देना है, ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और इस तरह से जहाँ जहाँ पे आपको स्टफिंग दिखाई दे ऊपर से तो वहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डो वहाँ पे चिपका दीजिएगा और इस तरह से इसे हथेलियों से प्रेस कर दीजिएगा। और आपको इस तरह से करना है, इसे हल्का हल्का प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो इस तरह से हमारा एक पीस रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए एक छोटी सी लोई लेंगे और इस तरह से इसे बड़ा कर लेंगे हथेलियों से और अब इसमें स्टफिंग रख देते हैं इस तरह से सेंटर में और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ऊपर की साइड से इस तरह से क्लोज कर देंगे। और जहाँ जहाँ पे आपको ऊपर से क्रैक्स दिख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से सूजी लगा देनी है, डो इस तरह से लगा देते हैं और इसे इस तरह से हाथों से रोल कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और देखिए दूसरा भी पीस हमारा रेडी हो गया है। तो जहाँ जहाँ पे आपको थोड़े हल्के से क्रैक्स दिख रहे हैं ऊपर से वहाँ पे आप इस तरह से सूजी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है।
और देखिए इस तरह से फटाफट से सारे तैयार कर लेते हैं। और देखिए ये 3 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है और यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। और देखिए तेल को मैंने हाई हीट पे गर्म किया है और तेल का टेम्परेचर हाई है, तो इसमें एक के साथ 3 डाल सकते हैं। फिर जैसे भी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आप डालिएगा और हाई हीट पे ही आप इन्हें फ्राई करिएगा। तो इस तरह से जब एक बार इन्हें डालने के बाद 1 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इनके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से तेल उछाल दीजिएगा ताकि ये दोनों साइड अच्छे से सिक जाएँ। तो इन्हें 1 मिनट के बाद पलट दीजिएगा। तो आप बीच में हीट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्हें 1 मिनट के बाद देखिए पलट देते हैं, एक साइड ये थोड़ी सी सिक चुकी हैं तो इन्हें पलट देते हैं और इन्हें इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या ऐसे ही नाश्ते के लिए बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और पेट भी भरेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप इन्हें बना के ले जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार खा के देखिए। तो देखिए अब एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से इन्हें निकाल लीजिएगा और अब चलिए फटाफट से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा है, तो फटाफट से बन जाती हैं और आप इन्हें कचौड़ी पकौड़ी या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ये समोसे से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में, तो आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए रेसिपी और शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स सारी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, तो इसे सर्व करते हैं धनिया की खट्टी स्पाइसी चटाकेदार चटनी के साथ। और अब इसे देखिए तोड़ते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही कंची हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स इन्हें आप ऐसे ही खा सकते हैं, केचप चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं इस तरह से भी। तो प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।